हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं इसकी रीडिंग में? ये रीडिंग जनरल है, डियर कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका होगा, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है? तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है? क्या है उनके रिलेशनशिप की करंट? तो हीलिंग फैमिली इश्यूज है एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट। आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड वर्थ वेटिंग फॉर। बॉटम ऑफ द डेक है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो हैं एक दूसरे को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर है तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो हैं एक दूसरे का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। माई डियर, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं एंड इस रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस ज़रूर देना चाहते हैं। और आप दोनों जो हैं अपने अपने लाइफ में फोकस हो सकते हैं, अपने फैमिली इश्यूज को निपटाने में लगे हुए हो सकते हैं, यानी फैमिली की तरफ फोकस हो सकता है, आपके पार्टनर फैमिली की तरफ फोकस हो सकते हैं एंड आप और आपके पार्टनर दोनों इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ार ज़रूर है, एक वेटिंग है, डिवाइन टाइमिंग है एंड रिलेशनशिप को एक चांस भी देना है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं एंड आप जो हैं वही सोच विचार में हैं कि जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे या आपको अनब्लॉक करेंगे तब इस रिलेशनशिप को एक चांस देना है या नहीं देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को अपने सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। आप दोनों जब सेल्फ लव में आएंगे तभी आप दोनों का मिलन होने वाला है, अदरवाइज़ आप दोनों का मिलन बहुत वेटिंग है। तो आप दोनों जो हैं पहले खुद को प्यार करें, और बहुत सारे लोग खुद को प्यार भी कर रहे हैं, यानी कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो अपने अपने लाइफ में अपने अपने फैमिली इश्यूज को निपटाने में और खुद को प्यार करने में ही आप लोग व्यस्त हो सकते हैं एंड डेफिनेटली बिजी जो ज़रूर होंगे। एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो सोलमेट भी आपके पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जैसा आपकी एनर्जी है, यानी आपके रिलेशनशिप की जो भी कनेक्शन है आपका। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन क्या है। नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल एंड द जजमेंट फीलिंग्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। तो यहाँ आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है,
एट ऑफ वैंस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं आपसे कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपसे दूर भी ये हो सकते हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड इस प्यार में आपकी तरफ एक रोमांटिक जेस्चर ज़रूर दिखाना चाहते हैं, यानी आपसे वो प्यार बहुत करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि इनका प्यार जो है बताने वाला प्यार नहीं है, यानी आपके पार्टनर जो है एक्सप्रेसिव नहीं है डियर, एक्सप्रेसिव नहीं है, प्यार आपसे बेइंतहा करते हैं। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वो अपने प्यार को उन्होंने दबा के रखा है, सीने में छिपा के रखा है। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं अपने प्यार को उन्होंने छिपा के रखा है, उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता है प्यार को। और यहाँ थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जहाँ आपके पार्टनर को ये पता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, इस बात की रियलाइजेशन है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स यही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, एंड उनके ट्रू इंटेंशंस भी यही है कि वो इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म चाहते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को आगे निभाना चाहते हैं। आपसे जो वादे किए हैं कि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो आपको देंगे, तो डेफिनेटली इन वादों को वो निभाना चाहते हैं। आपसे प्यार भी बहुत करते हैं और इस प्यार में कहीं ना कहीं एक जर्नी है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी के रूप में, और उस जर्नी को तय करना ही आपके पार्टनर के लिए बहुत मुश्किल जैसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत सारा कर्मा इन्वॉल्व है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके वजह से कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, आपकी तरफ आएंगे भी, और वो जब चाहे तब आ सकते हैं, यानी कभी भी किसी भी समय वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपके साथ फैमिली भी बसा सकते हैं, आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। जो लोग के पार्टनर सिंगल हैं, आपके पार्टनर एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं, तो फाइनेंस एंड करियर के वजह से वो आपसे दूर हो सकते हैं या फिर फैमिली के वजह से वो आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर डेफिनेटली इस प्यार को अपना बनाना चाहते हैं, यानी आपको वो अपना बनाना चाहते हैं और बहुत जल्द वो आपको अपना बनाएंगे भी, जस्ट वेटिंग है। तो आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, आपके पार्टनर कभी भी आपकी तरफ आएंगे, आपको खुद को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए डियर, जिससे कि आप खुद इतने अट्रैक्टिव हो कि आपके पार्टनर आपके बिना रह ही नहीं पाए और वो जो कल एक्शन लेंगे वो आज आपके लिए एक्शन ले लें। जो लोग ऑलरेडी ऐसे इंसान के साथ हैं जो मैरिड इंसान है, डेफिनेटली या कल्चरल डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, किसी भी टाइप का ऐसा सिचुएशन है जो डिफ़िकल्ट है समाज एंड सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करना, अनकन्वेंशनल लव स्टोरी हो सकती है, मीन्स कहीं ना कहीं समाज और सोसाइटी जो है आपके अगेंस्ट हो सकता है, जहां आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो रोमांटिक जेस्चर भी आपको हमेशा दिखाते रहे हैं और आपके लिए बहुत रोमांटिक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं अपना प्यार सीने में छिपा के रखा है, क्योंकि उनको इस बात का रियलाइजेशन ज़रूर है, अगर वो अपना प्यार आपको बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिसीज़न मेकिंग है डियर, डिसीज़न लेंगे तभी वो आपको फुल्ली अपना बना पाएंगे, नहीं तो आपको प्यार दे सकेंगे लेकिन समाज और सोसाइटी में जो नाम है, जो एक्सेप्टेंस है, वो शायद ना दे पाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को छिपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, टाइम बिताना चाहते हैं आपके साथ, वो लॉन्ग टर्म चलने के लिए ही उनका उद्देश्य कह सकते हैं, यानी कि जो उनके इरादे हैं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाला ही है। एंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बर्डन है, क्योंकि फैमिली है, आप हैं, सबका वर्डन एक साथ उठाए हुए हैं, और यही वजह है कि आपके पार्टनर बहुत स्लो मूविंग हो सकते हैं, क्योंकि आ ही नहीं पा रहे हैं आपके सब पास और ना ही वो इस रिश्ते को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लाइफ में कर्मा भी भुगत रहे हैं, जिसके वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर, जो वादा किया है वो निभाएंगे ज़रूर, चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी क्यों ना रहे। आपके पर्सन क्या आपसे प्यार करते हैं? प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इस प्यार में डिसीज़न है, इस प्यार में कहीं ना कहीं लॉन्ग जर्नी है,
सिर्फ इंतज़ार है, इंतज़ार है, इंतज़ार है, फिर भी आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि इतना इंतज़ार वो कब तक करें, कब तक वो आपसे दूर रहें, कब तक अपने दिल को समझाएं, क्या करें या ना करें समझ ही नहीं आता। फिर भी जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, और आपके साथ क्वालिटी रोमांटिक टाइम बिताएंगे ज़रूर, क्योंकि आप ही उनकी दुनिया है, आप ही उनकी खुशियां हैं, आप ही उनका सब कुछ है। तो चलिए हम कुछ रैंडम मैसेजेस देखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसके वजह से वो आपसे दूर है। कमिटेड रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है जिसके वजह से वो आपसे दूरियां बनाए हुए हैं। अट्रैक्शन वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील करते हैं। जो लोग सिंगल हैं, आपके पार्टनर आपसे ही मैरिज करेंगे एंड डेफिनेटली मैरिज करेंगे, और वो आपकी तरफ आएंगे भी। लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पैशन है, प्यार सच्चा करते हैं, लेकिन इस प्यार में बहुत सारा प्रॉब्लम भी है, लेकिन इस प्यार में अपना दिल को खोलकर आपसे कहना ज़रूर चाहते हैं। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि वो आपको फुल्ली अपना कैसे सकते हैं, एंड बहुत पेशेंसफुल हैं, पेशेंस बना के रखा है उन्होंने, और बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए वो डेफिनेटली फील करते हैं। आपके मिरर सेल्फी हैं, बहुत सारे लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ आपके पार्टनर अपना दिल खोल के रखना चाहते हैं। जिन लोग मैरिड इंसान के साथ हैं, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास आने से डरते हैं, यानी कि फुल्ली कमिटेड होने से डरते हैं आपके पर्सन। और यहाँ है कमिटेड रिलेशन, जिन लोगों के पर्सन ऑलरेडी सिंगल हैं, डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देंगे, डियर माय डियर, डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ क्वालिटी रोमांटिक टाइम ज़रूर बिताएंगे, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है। तो चलिए हम देखते हैं कि उनके मैसेजेस क्या हैं। जिसको दुआ में मांगा दूर वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है किसी भी कदम चलना। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, प्लीज़ वेट फॉर मी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार ज़रूर कीजिए। अगर आपके पर्सन कहीं काम में फंसे हुए हैं तो आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, तो बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप निभाना है भाई। दिस डिस्टेंस इज़ किलिंग मी इनसाइड, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और वो सह नहीं पा रहे। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किस करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, हग करना चाहते हैं। विल यू गिव मी द ऑनर ऑफ किस यू, तो कहीं ना कहीं वो आपका किस, आपको किस करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं। दिस ऑलवेज सीम्स लाइक अ फैंटसी एंड इल्यूजन, सब कुछ ऐसा लगता है कि फैंटसी एंड इल्यूजन है। आई एम सफरिंग विदाउट यू, तो आपके बिना कहीं ना कहीं आपके पर्सन सफ़र ज़रूर कर रहे हैं। आई एम एग्जॉस्टेड नॉट, तो कहीं ना कहीं बहुत टेंशन भी फील करते हैं। जहाँ भी ये स्टक हैं आपके पर्सन, बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, अकेला तन्हा बेचारा फील करते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू।